welcome student to our PTM learning classes. Today I'm going to explain you the poem from the book First Flight. The name of the poem is For Annie Gregory. इस पोएम के जो पोएट हैं उनका नाम है विलियम बटलर ईस्ट. विलियम बटलर ईस्ट आयरलैंड को बिलोंग करते थे. उनका जन्म 13 जून 1865 को हुआ था. He was a very famous Irish poet. He was not only a poet but also a dramatist and prose writer. He belongs to the 20th century and he also received Nobel Prize for Literature in 1923. This poem for Annie Gregory is written down by him. Now the poem for Annie Gregory talks about very important thing, that is external beauty versus internal beauty. इस पोएम में हम जानेंगे कि किस तरह से विलियम बटलर ने यहाँ पर ह्यूमंस के कुछ बेसिक ट्रेट्स के बारे में बात की है. किस तरह से हम ह्यूमंस हमेशा एक्सटर्नल ब्यूटी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, इंटरनल ब्यूटी को अक्सर हम अनदेखा कर देते हैं. हमारे लिए बाहरी आकर्षण ज़्यादा मायने रखता है. पैराग्राफ में पहुंचने से पहले हम इस पोएम का जिस्ट जान लेते हैं. जिस्ट का मतलब होता है क्रक्स, CRUX, क्रक्स. क्रक्स का मतलब शॉर्ट समरी. ये पोएम बेसिकली बात करता है इंटरनल और एक्सटर्नल ब्यूटी के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया. बट उससे पहले हम जानेंगे दैट दिस पोएम इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट एंड अ गर्ल नेम्ड एनी ग्रेगरी. ये जो पोएम है ये कन्वर्सेशन के फॉर्म में है जो दो लोगों के बीच में होती है. एक तो पोएट दैट इज़ विलियम बटलर ईस्ट एंड दूसरा एनी ग्रेगरी. ऐसा माना जाता था कि विलियम बटलर ईस्ट हैज़ सम फीलिंग्स फॉर एनी ग्रेगरी. But even though he had some feelings for her, Annie Gregory reversed his feelings and never accepted it. However, हम इस poem में आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखेंगे कि the poem talks about the misconceptions of real beauty set by society. ये poem जो है society के द्वारा जो एक 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 धारणा, एक misconception, एक गलत धारणा जो बनाई गई है beauty को लेके, सुंदरता को लेके, किस तरह से विलियम बटलर ने उसकी बात की है. ही ऑल्सो डील्स विद द टॉपिक इंटरनल ब्यूटी वर्सेस एक्सटर्नल ब्यूटी. जैसा कि मैंने बताया कि बेसिकली ये जो पोएम है फॉर एनी ग्रेगरी ये बात करता है एक्सटर्नल ब्यूटी वर्सेस इंटरनल ब्यूटी, बाहरी खूबसूरती वर्सेस अंदरूनी खूबसूरती. आवर सोसाइटी यूजली केयर्स अबाउट द एक्सटर्नल ब्यूटी बट इट्स आवर इंटरनल ब्यूटी विच रिफ्लेक्ट्स आवर ट्रू ब्यूटी. हमारा जो समाज है वो अक्सर एक्सटर्नल ब्यूटी के बारे में ज़्यादा केयर करता है. बट रियलिटी में जो सोसाइटी है वो एक्सटर्नल ब्यूटी की बात करता है, वो ज़्यादा केयर इसी पे करता है कि बाहरी खूबसूरती कितनी ज़्यादा है. दे डोंट केयर अबाउट द इंटरनल ब्यूटी. बट इन रियलिटी इंटरनल ब्यूटी इज़ द वन विच रिफ्लेक्ट्स आवर ट्रू स्टैंडर्ड, ट्रू ट्रेट. इंटरनल ब्यूटी है जो हमारी खासियत दिखाती है. एक्सटर्नल ब्यूटी विल नॉट रिमेन फॉर एवर. एक्सटर्नल ब्यूटी हमेशा नहीं रहेगी, एक दिन वो ख़त्म हो जाएगी. बट इंटरनल ब्यूटी विल ऑलवेज रिमेन सेम. हमारी अंदरूनी खूबसूरती हमेशा एक सी रहेगी और हमेशा अपनी खूबसूरती को बढ़ाए रखेगी. द पोएट ऑल्सो बिलीव्स दैट ओनली गॉड विल लव अस फॉर हु वी आर एंड दैट्स वाई इट इज़ बिलीव्ड दैट ओनली गॉड कैन एक्सेप्ट अस नो मैटर हाउ वी लुक, हाउ वी बिहेव. पोइट का ये भी मानना है कि सिर्फ भगवान ही है जो हमें हमारे किसी भी रूप में एक्सेप्ट करेगा. सिर्फ भगवान ही है जो हमें कभी भी एक्सटर्नल ब्यूटी के आधार पे जज नहीं करेगा. एंड दैट्स व्हाट दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट. और यही इस पोएम का सार है, समरी. नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ यूजली आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. अक्सर जो सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है हर कविता का, इस कविता का भी सेंट्रल आइडिया कुछ इस तरह से है. जैसा कि आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि इस पोएम में मेनली एक मेजर सेंट्रल आइडिया है जो रिवॉल्व कर रहा है, दैट इज़ एक्सटर्नल ब्यूटी वर्सेस इंटरनल ब्यूटी. बाहरी खूबसूरती और अंदरूनी खूबसूरती में बेहतर क्या है.
उसके बाद है ट्रू लव, दैट व्हाट डज इट मीन बाय ट्रू लव. ट्रू लव मीन्स द पीपल इफ दे रियली लव यू, दैट मीन्स दे गिव प्रायोरिटी टू द इंटरनल ब्यूटी. दे डोंट एक्सेप्ट द एक्सटर्नल ब्यूटी बट दे विल एक्सेप्ट योर इंटरनल ब्यूटी इफ दे ट्रूली लव यू. एंड द नेक्स्ट थिंग इज मॉर्टैलिटी वर्सेज इमॉर्टैलिटी. मॉर्टल मतलब जो इंसान अमर नहीं है, लाइक वी ह्यूमंस आर मॉर्टल. द नेक्स्ट थिंग इज इमॉर्टल, द पर्सन दैट इज इमॉर्टल, दैट मीन्स जो अमर है. तो उसी तरह से मॉर्टैलिटी जो है यानी खूबसूरती जो है वो अमर नहीं है, यानी कि बाहरी खूबसूरती एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी. जैसे इंसान है, हम जैसे वी आर नॉट गोइंग टू रिवाइव फॉर एवर, वी आर नॉट गोइंग टू लिव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. येस वी गोना लिव फॉर अ वेरी फ्यू ईयर्स, वी गोना लिव, वी गोना सी, वी गोना एन्जॉय आवर लाइफ, बट इट्स नॉट गोइंग टू रिमेन फॉर एवर. वी गोना डाई सम डे एंड दैट इज़ दी हार्श रियलिटी ऑफ आवर लाइफ. सो उसी तरह से हमारी एक्सटर्नल ब्यूटी भी मॉर्टल है, एक दिन ख़त्म हो जाएगी. बट आवर इंटरनल ब्यूटी इज इमॉर्टल, जो कि अमर है. हमारी अंदरूनी खूबसूरती कभी भी ख़त्म नहीं होगी. अगर कल को हम इस दुनिया में नहीं भी रहे तो हमारी अच्छाई लोग याद रखेंगे. एंड द लास्ट वन इज़ ट्रू ब्यूटी ऑफ ह्यूमन. ह्यूमन की असली खूबसूरती क्या है, क्या अच्छाई है, क्या नेचर है उसके में, क्या खूबी है. हम किस तरह से बता सकते हैं किसी इंसान को कि दैट पर्सन इज़ ब्यूटिफुल, हाउ वी कैन से दैट. सो दिस इज़ वॉट वी डिस्कस इन दिस पोएम. यही आपका पोएम का सेंट्रल आइडिया है. नाउ विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट बैक टू द पैराग्राफ. द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट्स लाइक दिस. नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इन टू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर ईयर लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर. द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ इज सेट बाय विलियम बटलर ईस्ट. आपको ये ध्यान देना है स्टूडेंट्स कि जो पहला पैराग्राफ है ये विलियम बटलर ईस्ट के द्वारा कहा जा रहा है. जैसा कि हमने पहले ही बताया दैट दिस पोएम इज डीलिंग विद द कन्वर्सेशन बिटवीन पोएट एंड एनी ग्रेगरी. सो जो पहला डायलॉग है, जो पहली लाइन, जो पहला पैराग्राफ कहा जा रहा है वो विलियम बटलर के द्वारा बोला जा रहा है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द हार्ड वर्ड हियर. द वेरी फर्स्ट हार्ड वर्ड विच आई कैन सी इज डिस्पेयर, DESPAIR, डिस्पेयर. डिस्पेयर का मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट, निराशा. बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड, हनी मतलब होता है शहद. रैम्पर्ट, RAMPARTS, रैम्पर्ट्स. रैम्पर्ट का मतलब होता है किले की दीवार. आपने देखा होगा कि किस तरह से दुश्मन आक्रमण करता है, तो अक्सर जो राज्य होते हैं अपने राज्य को बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव दीवार बनाते हैं, जिसे अपने फोर्ट के आगे, अपने किले के आगे कैसी दीवार, ऊंची दीवार बनाते हैं जिसको भेदना दुश्मनों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है. सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल रैम्पर्ट, किले की दीवार. आई गेस फर्स्ट पैराग्राफ में और कोई हार्ड वर्ड नहीं है, सो आप समझ लेते हैं कि व्हाट डज पोएट ट्राई टू टेल अस हियर. याद रहे यहाँ पे स्पीकर पोएट है और लिसनर एनी ग्रेगरी है. नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इन टू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर ईयर. द पोएट हियर सेज दैट यू डोंट हैव टू फील बैड फॉर दोज मैन हु ट्राई टू वो यू, हु ट्राई टू विन योर हार्ट. यू डोंट हैव टू फील बैड व्हेन यू रिजेक्ट देम. यहाँ पे पोएट कहता है कि आपको एनी ग्रेगरी उन मैन के लिए बुरा फील नहीं करना है जिन्हें आपने रिजेक्ट कर दिया है. यू डोंट हैव टू फील बैड फॉर दोज मैन इफ़ यू हैव रिजेक्टेड देम, इफ़ यू हैवंट एक्सेप्टेड देयर प्रपोजल. एंड इफ़ यू रिजेक्टेड देम यू डोंट हैव टू फील बैड फॉर देम. अगर आपने उन्हें रिजेक्ट किया है तो आपको यहाँ पर दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दोज मैन विल नेवर गोइंग टू डिसअपॉइंटेड. वो इंसान, वो लोग जो आपको प्रपोज कर रहे हैं वो भी बिल्कुल निराश नहीं होंगे. वाई हियर द पोएट इज़ गिविंग अस द रीज़न. क्यों यहाँ पे पोएट ने कहा कि इवन एनी ग्रेगरी जैसी ब्यूटिफुल गर्ल अगर किसी भी मैन को रिजेक्ट करती है तो मैन क्यों नहीं बुरा फील करेगा, क्यों डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा, उसके लिए एनी ग्रेगरी को बुरा क्यों नहीं फील करना चाहिए.
हियर ही इज गिविंग अस द रीजन बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पेंट एट योर ईयर. यहाँ पे पोएट रीजन देता है एनी ग्रेगरी को कि आपको बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है उन लोग के लिए. क्यों? बिकॉज दे डोंट लव यू ट्रूली, दे डोंट हैव ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, दे डोंट लव यू फॉर हु यू आर, बट दे लव यू हाउ यू लुक, फॉर हाउ यू लुक. दैट मीन्स यहाँ पर उन्हें इससे मतलब नहीं कि आप किस तरह के इंसान हो, बट आप कैसे दिखते हो ये उनके लिए मायने रखता है. एंड दैट्स वाई दे डोंट लव यू डियरली, दे डोंट लव यू ट्रूली, क्योंकि उन्हें आपकी अंदरूनी खूबसूरती से ज़्यादा आपके ब्लॉन्ड हेयर, हनी कलर्ड, आपने देखा है स्ट्रेंस जो फॉरेनर्स होते हैं अक्सर उनके जो हेयर होते हैं, इट्स नॉट यू नो ऑब्वियस बट इट्स नेचुरली, आपने उनके हेयर को देखा हो कि ब्लॉन्ड होते हैं, हनी के कलर्ड में होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हनी कलर्ड जो कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है एनी ग्रेगरी के बालों को, कि जो सुनहरे शहद रूपी जो आपके बाल हैं जो आपके कानों के पीछे से होके जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कानों को छिपा के, किले की दीवार को बालों के ज़रिए आपने कानों को छिपाते हो, एक प्रोटेक्टिव लेयर है आपके हेयर ने बना के रखा है आपके कानों के आसपास, उन बालों को ज़्यादा मायने रखा जाता है, ना कि आपकी अंदरूनी खूबसूरती को. यानी वो मैन जो आपको चाहते हैं, आपको प्रपोज करते हैं, वो आपको सिर्फ और सिर्फ आपके बालों की वजह से प्यार करते हैं, ना कि आपकी अंदरूनी खूबसूरती के लिए. लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर. सो यहाँ पर विलियम बटलर आगे बोलते हैं दैट लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर, दैट यू हैव टू एक्सेप्ट दोज पीपल हु लव यू फॉर यू, नॉट हाउ यू लुक. ही टेल्स हर दैट यू शुड एक्सेप्ट दोज प्रपोजल, यू शुड एक्सेप्ट दोज पीपल्स फीलिंग हु लव यू फॉर योर इंटरनल ब्यूटी, नॉट फॉर योर एक्सटर्नल ब्यूटी. यहाँ पे विलियम बटलर बोलते हैं, एनी ग्रेगरी को समझाते हैं कि अगर आप कल को फ्यूचर में किसी को चाहते हैं और आप उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हो, तो आपको ये देखना होगा कि आपको वो पर्सन आपकी इंटरनल खूबियों के लिए चाहता हो, ना कि आपके खूबसूरत बालों के लिए. आई होप सो आपको ये पहला पैराग्राफ समझ में आ गया हो. अब हम लोग चलते हैं सेकेंड पैराग्राफ पे. बट आई कांट गेट, आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर. दिस पैराग्राफ हैज़ बीन सेट बाय एनी ग्रेगरी. ये पैराग्राफ एनी ग्रेगरी के द्वारा कहा गया है. यहाँ पे जो स्पीकर है वो एनी ग्रेगरी हैं और लिसनर विलियम बटलर है. यहाँ पर जब एनी ग्रेगरी सुनती है कि दोज पीपल, दोज मैन हु ट्राई टू वू हर, हु ट्राई टू विन हर हार्ट, डोंट एक्चुअली लव हर, शी वॉज रियली डिसअपॉइंटेड, शी गॉट डिसहार्टेड. सो शी गिव वन डिफेंस इन हर सेल्फ, शी सेट समथिंग इन हर डिफेंस जस्ट टू प्रूव द पोएट रॉन्ग. जब यहाँ पे एनी ग्रेगरी पोएट की बात को सुनती है तो उसे काफ़ी निराशा होती है, और यहाँ पर अपने बचाव में वो पोएट से कहती है, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट. यहाँ पर एनी ग्रेगरी बोलती है दैट इफ दिस इज़ द सिचुएशन, इफ दैट्स द रियलिटी, इफ दैट्स द फैक्ट दैट पीपल ओनली लव मी फॉर माई येलो हेयर, फॉर माई ब्यूटिफुल हेयर, देन आई एम गोइंग टू डाई इट. हेयर डाई, आप जानते हो बालों को कलर करना, दैट इज़ द हेयर डाई. तो मैं अपने बालों को कलर कर लूँगी एंड सेट सच कलर देयर, और किसी भी कलर से अपने बालों को रंग लूँगी, चाहे वो ब्राउन हो, ब्लैक हो या कैरेट कलर हो, दैट मीन्स पीच कलर. दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर. फर्दर शी सेज दैट मे बी देन दोज मैन विल, those men who are in despair, who are in disappointment, start loving me for how I appear, not through external beauty but how I behave through my internal beauty. yahan pe Annie Gregory kehti hain ki fir shayad she is also not very sure student. yahan pe dekho Annie Gregory ne kaha hai may love me, that mean somewhere she is also not very sure about it, somewhere wo bhi bahut sure nahi hai कि शायद उसे कोई उसके एक्सटर्नल ब्यूटी को एक्सेप्ट करके प्यार करेगा कि नहीं करेगा. शी इज़ नॉट श्योर अबाउट इट, बिकॉज जब वो अपने बालों को कलर कर लेगी, शी इज़ नॉट श्योर दैट पीपल गन एक्सेप्ट हर.
सो इसलिए वो कहती है कि जो लोग उदास होंगे तो शायद उसके बाद वो उसके इंटरनल ब्यूटी को ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, ना कि उसके येलो हेयर को, बिकॉज उसने अपने येलो हेयर को तो कलर कर दिया। तो अब शायद, फिर शायद, बिकॉज शी इज़ नॉट श्योर बट स्टिल शी होप्स दैट होपफुली मैन विल फॉल फॉर हर, नॉट फॉर हर एक्सटर्नल ब्यूटी, नॉट फॉर हर येलो हेयर, बट फॉर हर इंटरनल ब्यूटी। तो यहाँ अपने डिफेंड में, अपने बचाव में एनी ग्रेगरी पोएट को जवाब देती हैं। लेट्स सी हाउ डज पोएट गोना रिएक्ट। आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट यस्टर नाइट डिक्लेयर दीज, दिस पैराग्राफ इज ऑफ कोर्स सेट बाय द पोएट हिमसेल्फ, दैट इज विलियम बटलर ईस्ट। ये जो पैराग्राफ है ये पोएट ने खुद कहा है, दैट मीन्स फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ विलियम बटलर ने बोला है और सेकेंड पैराग्राफ एनी ग्रेगरी का। लास्ट के पैराग्राफ में जो पोएट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कहता है, दैट मीन्स दैट नो मैटर हाउ मैनी पीपल वी आर हैव विच वी कॉल देम एज फ्रेंड और हाउ मैनी पीपल वी आर सराउंडेड विद, देर इज ओनली वन ट्रू पर्सन हु विल लव इज गॉड। लेट्स सी। आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट यस्टर नाइट डिक्लेयर, यस्टर नाइट का मतलब होता है लास्ट नाइट, पिछली रात। डिक्लेयर मीन्स अनाउंस, मीन्स घोषणा करना। पोइट यहाँ पे कहता है दैट आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन एंड ओल्ड प्रीस्ट, मैंने एक बूढ़े प्रीस्ट, एक पुजारी आदमी से सुना है जिसने पिछली रात को एक अनाउंसमेंट की है। आई हर्ड एन अनाउंसमेंट मेड बाय एन ओल्ड रिलीजियस मैन। व्हाट वाज द अनाउंसमेंट? दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव दैट ओनली गॉड माई डियर कुड लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। यहाँ पे पोइट कहता है कि द अनाउंसमेंट मेड बाय एन ओल्ड रिलीजियस मैन वॉज दैट ही फाउंड अ टेक्स्ट। ओल्ड रिलीजियस मैन ने एक अनाउंसमेंट की कि उसे एक टेक्स्ट मिला है जहाँ पे ये बात प्रूव की गई है, जिसमें लिखा है कि देर इज ओनली वन पर्सन हु कैन लव अस नो मैटर हाउ वी लुक, इज ओनली गॉड। जब यहाँ पर एनी ग्रेगरी कहती है कि मैं अपने बालों को किसी भी कलर से रंग दूंगी तब शायद वो लोग मुझे मेरे इंटरनल ब्यूटी के लिए प्यार करेंगे, तो यहाँ पे पोएट जवाब देता है कि नो, इट्स नॉट गोना हैपन बिकॉज देर इज समथिंग रिटन इन अ टेक्स्ट, टेक्स्ट दैट मीन्स डेफिनेटली इन बाइबल। यहाँ पर टेक्स्ट की अगर बात कर रहा है तो कह रहा है वो बाइबल, जो रिलीजियस पर्सन है उसका कहना है कि एक हॉली बुक में, पवित्र किताब में लिखा गया है कि देर इज ओनली गॉड, सिर्फ गॉड ही है। माई डियर दैट मीन्स एनी ग्रेगरी को यहाँ पे विलियम बटलर माई डियर बोल रहे हैं, दैट ओनली गॉड हु कुड लव यू no matter how you look, he doesn't care about your yellow hair, he doesn't care about your beautiful ear, beautiful eyes, beautiful face, he will love you no matter how you look. sirf aur sirf bhagwan hi hai jo tumhe jaise bhi tum dekho waise tumhe accept karenge, sirf bhagwan hi hai jo sirf tumhe pyar sirf tumhare yellow hair ke liye nahi but tumhe tumhare internal beauty ke liye karenge. so that's how the poem ends. इस तरह से हमें पता चलता है कि देर इज ओनली वन पर्सन हु कैन एक्सेप्ट अस, दैट इज द गॉड। गॉड ही है जो हमारे इंटरनल ब्यूटी को एक्सेप्ट करता है, यानी हमारे लाइफ में कितनी भी खामियां हैं लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट इतनी गलतियों के बाद भी भगवान हमें हमेशा माफ़ करता है, दैट मीन्स ही एक्सेप्ट अस फॉर हु वी आर, नॉट वॉट वी डू और हाउ वी लुक। वो हमें हमारे इंटरनल ब्यूटी के लिए प्यार करता है, ना कि हमारे एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए। आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको पोएम समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द डिफिकल्ट वर्ड्स। मैंने आपको जैसा बताया इस पोएम में जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे, दैट इज़ द वेरी फर्स्ट वर्ड इज डिस्पेयर, डिसअपॉइंटमेंट मीन्स निराशा। रैम्पट, अ हाई थिक वॉल मेड ऑफ स्टोन और अर्थ यूजली विद द पाथ ऑन टॉप दैट हैज़ बिन बिल्ट अराउंड अ कैसल, कैसल टाउन एक्सेट्रा इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट, यानी कि किले को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो दीवार खड़ी की जाती है उसे हम रैम्पट बोलते हैं, दैट इज़ किले की दीवार। यस्टर नाइट मतलब लास्ट नाइट, कल रात को या पिछली रात को। डिक्लेयर मीन्स अनाउंस, घोषणा करना। द वेरी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज लिटरेरी और द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन दिस पोएम। इस पोएम में जो लिटरेरी और पोएटिक डिवाइस यूज्ड हुए हैं हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले इस पोएम में जो फिगर स्पीच यूज़ हुआ है वो है मेटाफर। सबसे पहले पैराग्राफ में आप देखोगे कि यहाँ पे एनी ग्रेगरी के बालों को
रैम्पर्ट से कंपेयर किया गया, यानी किले के दीवारों से कंपेयर किया गया। एंड जब भी हम कंपेयर करते हैं विदाउट यूजिंग एज या लाइक, दैट इज़ आवर मेटाफर। बिना लाइक या एज यूज़ किए जब हम कोई कंपेरिजन करते हैं तो वो हमारा मेटाफर होता है। तो ये लाइन आपकी मेटाफर है। सेकेंड, आप देखोगे कि पोएम में आपको कई जगह कॉन्सोनेंट रिपीट होते दिखेगा। इफ़ वी गेट बैक टू द नेक्स्ट वन, देन यू विल अंडरस्टैंड कि जैसे सेट और सच है, ब्राउन और ब्लैक है, तो उस तरह से आपका जो एस है, बी बी है, ये जो एलिट्रेशन यूज़ हुआ है, जो कॉन्सोनेंट रिपीट हुआ है, वो आपका सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच है। इस पोएम का जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी सी बी डी बी। द लास्ट इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच दे कैन आस्क यू इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो कुछ इस तरह से हैं। वॉट डज पोएट ट्राई टू टेल एनी अबाउट मैन? पोएट एनी को मैन के बारे में क्या बताना चाह रहा था? हाउ डज एनी प्लान टू टेस्ट हर ट्रू लव? एनी ने ट्रू लव को टेस्ट करने के लिए क्या प्लान किया? इज इट गोइंग टू मेक एनी चेंज? क्या उससे कोई बदलाव आता? वट डिड द रिलीजियस मैन डिक्लेयर इन हिज प्रीच? अपने प्रीच में, अपने भाषण में उस रिलीजियस मैन ने क्या अनाउंसमेंट की? अकॉर्डिंग टू द पोएट, वाई डिड मैन ट्राई टू वू हर? वू मतलब होता है किसी का दिल जीतना। पोएट के हिसाब से जो मैन है वो एनी ग्रेगरी का दिल क्यों जीतना चाहते थे? बिकॉज दे ट्रूली लव हर और नॉट? डिस्कस द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है? मेजरली इस पोएम का सेंट्रल आइडिया एक्सटर्नल ब्यूटी वर्सेस इंटरनल ब्यूटी है, बट मैंने आपको कुछ और सेंट्रल आइडियाज बताए हैं जो आप अपने क्वेश्चन में एड आंसर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और एनी ट्रबल, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन लेट मी नो हाउ इज़ इट गोइंग टू हैपन फॉर यू। टिल देन, थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।